हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप Realme 11 X 5G मोबाइल में तो आप स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा पाएंगे। तो फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक लगाने के लिए या सेट करने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लीजिएगा। जैसी सेटिंग्स को ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फिंगरप्रिंट पे क्लिक करते हैं, आपने पहले से कोई भी स्क्रीन लॉक बनाया रहेगा, पिन पैटर्न या पासवर्ड, तो वो दोस्तों आपको स्क्रीन लॉक यहाँ पे डाल देना है या दोस्तों ड्रॉ करना है। दोस्तों, मैंने पहले से पैटर्न लॉक बनाया था, वो डाल देता हूँ। जैसे ही डालता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है प्लेस योर फिंगर ऑन द सेंसर, यानी अपना फिंगर सेंसर पे फिंगर को टच कीजिए या स्कैन करवा लीजिए। तो यहाँ से हम कर लेते हैं स्कैन और आप भी अपने मोबाइल में दोस्तों चारों तरफ से इसको स्कैन करवा लीजिएगा। तो दोस्तों, हम कर लेते हैं स्कैन और जैसे ही स्कैन कर लेते हैं, ये पूरा आइकन आपके मोबाइल में ये फुल हो जाता है। जो ब्लू टिक रहता है वो दोस्तों आपके मोबाइल में पूरा फुल हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे एक डन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, सिंपल आपके मोबाइल में स्क्रीन लॉक फिंगरप्रिंट सेट हो जाता है।